हेलो स्टूडेंट्स, माइसेल्फ जन्मेजय महतो। आज के क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स को देखेंगे। इसमें हम लोग मटेरियल्स कितने तरह के होते हैं इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो सॉलिड्स है ये इसको हम लोग तीन भाग में जनरली बांटते हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर और एक होता है सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर सिर्फ हम लोग कंडक्टिविटी के आधार पे हम लोग इसको सॉलिड को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो कंडक्टर और या फिर मेटल्स ये हम किसे कहते हैं? तो जनरली जो सॉलिड्स होता है जिसमें हम लोग का कंडक्टिविटी है ना हाई हो, मतलब ये हम एक रेंज बोल रहे हैं कि 10^2 से लेके 10^8 तक का है ना इसका कंडक्टिविटी का रेंज है, और इसमें रेजिस्टिविटी जो होगा ये बहुत लो होगा। तो इसको, इस तरह का जो मटेरियल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर्स बोलेंगे। मतलब मेटल में जनरली क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, करेंट क्या होता है इजिली यहां पर फ्लो कर सकता है, माने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो है वो इजिली होता है। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां पर रेजिस्टेंस, मतलब कोई भी रुकावट नहीं है, इजिली इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है, तो ये है कंडक्टर। हम सेकंड है इंसुलेटर। इंसुलेटर में हम लोग उस तरह का सॉलिड को बोलते हैं जिसमें हम लोग का जो रेजिस्टिविटी है ये बहुत हाई वैल्यू होगा और जो कंडक्टिविटी है ये क्या होगा? ये लो होगा। तो कंडक्टिविटी कितना होगा? 10^-8 साइमन पर मीटर से, है ना, ये बहुत मतलब लो है। 10^-8 साइमन पर मीटर मतलब बहुत लो, और वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ये है 10^8 ओम मीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग, इस तरह का मटेरियल को हम लोग इंसुलेटर कहेंगे। अब तीसरा है सेमीकंडक्टर, जिसमें ये सॉलिड का तीसरा तरह का टाइप है, जिसमें क्या होता है जो कंडक्टिविटी होता है ये कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स इन दोनों के बीच का होता है। ठीक है, तो इसमें इसका रेंज क्या होगा? ये 10^-5 है ना 7 पर मीटर से लेके 10^0 पर मीटर, यानी कि 10^0 मतलब 17 पर मीटर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम, मतलब हमको इस तरह से हम देखें कि कंडक्टर्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ये क्या है, सॉलिड का क्या है, तीन टाइप है। अब हम लोग ये जो सेमीकंडक्टर है, ये सेमीकंडक्टर को भी हम लोग कुछ भाग में बांटते हैं, तो इसको हम आगे देखते हैं। तो ये है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें एक होता है एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और एक को हम लोग कंपाउंड सेमीकंडक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, कुछ सेमीकंडक्टर ऐसा होता है जो नेचुरली उस पे ये मतलब सेमीकंडक्टर का गुण होता है। ठीक है, तो उस तरह का सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। इसमें क्या हो गया? सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, और मतलब कुछ सेमीकंडक्टर जो है इसमें मतलब कॉम्बिनेशन होता है ना दो तरह का एलिमेंट का, और वो सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या कहेंगे? कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो इन दोनों को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर है, जहां पर केवल जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, इसमें नेचुरली गुण होता है सेमीकंडक्टर का। लेकिन होता क्या है कि यहां पर मतलब बहुत रूम टेम्परेचर में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये बहुत कम मात्रा में है, तो लो कंडक्टिविटी होता है। लेकिन अगर हमको कंडक्टिविटी बढ़ाना है तो हमको क्या करना होगा? टेम्परेचर को राइज करना होगा। तो जब हम टेम्परेचर को राइज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम कुछ बाहर से कुछ हम लोग एक्स्ट्रा है ना एलिमेंट को डालते हैं, इम्प्यूरिटी को डालते हैं,
तो ये जो इम्प्यूरिटी अब डाले इसके बाद क्या होता है, ये सेमीकंडक्टर में अब कंडक्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब इसका मान लीजिए हम टेम्परेचर को राइज भी करते हैं तो भी ये डैमेज नहीं होता। तो उस तरह एक नया तरह का सेमीकंडक्टर बनता है जिसको कि हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं, या फिर इस तरह का सेमीकंडक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, डोप्ड सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बाहर से कुछ इंप्यूरिटी को एड करते हैं, ठीक है। और इसमें मतलब हम लोग का जो इम्प्यूरिटी है, आगे मतलब लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कुछ इम्प्यूरिटी होता है जैसे ट्राइवेलेंट इम्प्यूरिटी और पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी होता है। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग जब इसमें ये इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं तो कुछ केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स का संख्या बढ़ जाता है, कुछ केस में क्या होता है होल्स का संख्या बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमको एक डिफरेंट टाइप का सेमीकंडक्टर मिलता है जिसको हम लोग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो ये सभी चीज जितना भी आगे सेमीकंडक्टर का बारे में हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। तो आप लोग को अगर ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।